अब हम बात करते हैं बुध की महादशा का प्रभाव और आपका जीवन और वाणी की शुद्धता। वक्ता यहाँ पर कॉमेडियन, ये आपको बनाएगी ये दशा, और ये दशा आपको अपने क्षेत्र में स्थापित करेगी बड़े अच्छे ढंग से। हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बुध की जो महादशा होगी वो बेसिकली 17 साल के लिए आपके साथ में आएगी, और ये 17 साल आपकी लाइफ के निर्णायक साल होंगे जब कभी भी ये आएगी। और ये जो है आपको स्थापित करेगी। मरकरी जो है वो आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इनके भी स्वामी हैं। तो जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक एक करके कि भी क्या होगा इस दशा में, ये मान के चल लीजिए, एक तो जब कभी भी ये दशा आएगी आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं करने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा यात्राएं होंगी इसमें। बुध में बुध की दशा से शुरू होगी ये, तो 2 वर्ष 4 महीना और 27 दिन की होगी जो है पहली बुध की बुध में दशा। तो यहाँ पर ये जो है आपको एक तरीके से आपको लेकर के जाएगा, विदेश भी लेकर के जा सकती है ये दशा आपको। आपको जॉब के ऑफर आने लगेंगे अचानक से, और आपको खूब ऑफर आएंगे, और जब तक ये मरकरी की दशा रहेगी आपको जॉब की कभी दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे वो किसी भी उसमें हो। ठीक है, बुध की दशा, बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा, क्योंकि 11 महीने एवं 27 दिन की होगी। इसमें अगर हम देखें तो बुध की महादशा में जो केतु की दशा आएगी, ये केतु आने से पहले ही आपका जॉब चेंज करवा के ही यहाँ पर ही आएगा। ओके, केतु में आप, केतु की अंतरदशा में एंटर ही आप जब होंगे जब आपका स्थान परिवर्तन हो चुका होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, मरकरी में शुक्र की दशा आएगी जो कि 10 महीने की होगी, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये जो है बुध की जो महादशा आएगी, बुध की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा जो आएगी, ये जो है आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव बना देगी। तो ये जो बुध के अंदर जो शुक्र की दशा होगी, ये 2 साल 10 महीने की होगी, और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। आप यहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपकी तरफ बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित होंगे, आपको यहाँ पर सुपरस्टार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। बुध में सूर्य की अंतरदशा, जब मरकरी में जब सूर्य की अंतरदशा आएगी, और अगर ये दोनों ग्रह बढ़िया हुए तो आपको जो है ये कहीं से कहीं पहुँचा देंगे, आपको एकदम दिन दूनी रात चौगुनी आपके काम में वृद्धि करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद आएगी बुध में चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा की अंतरदशा होगी 1 वर्ष 5 महीने की, जो कि ये थोड़ा सा आपको ओकल्ट, ये यानी के मतलब जानना है हमको रहस्यों के बारे में, जीवन मृत्यु के रहस्य क्या हैं, और बाकी के ओकल्ट है, बाकी के हिस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसकी तरफ आपको आकर्षित करेगी ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके सपनों की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होगी। अब बुध में मंगल की दशा जब आएगी तो आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जब जब मंगल की दशा आपकी आएगी, अंतरदशा आएगी जो कि 11 महीने 27 दिन की होगी, इस दौरान आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़िया बनी रहेगी। उसके बाद आएगी बुध में राहु की दशा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, आपकी वाणी का दोष पैदा होगा यहाँ पर, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल बनेगा, लेकिन फिर भी आप काम को निकाल ले जाएंगे। बुध के बाद आएगी गुरु की अंतरदशा जो कि आपको बिजनेस की तरफ लेके जाएगी, अंतरदशा ये होगी 2 वर्ष 3 महीने एवं 6 दिन की होगी। ठीक है, तो ये जो है आपको बिजनेस की तरफ लेकर के जाएगी, आपका काम धंधा बिल्कुल सब कुछ सेटअप इस वाली दशा में हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास में बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा जो कि 2 वर्ष 8 महीने एवं 9 दिन की होगी। अब ये जो महादशा है ये शनि के साथ में ख़त्म हो रही है, तो वही शनि जो है यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा न्याय करेंगे। लेकिन फिर भी ये वाली दशा, हम मरकरी की दशा जो है, हम इसको मानते हैं कि ये दशा आपके लिए थोड़ी न्यूट्रल टाइप की दशा होती है, जिसमें जिसकी अंतरदशा चल रही होती है वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। तो इसमें शनि की अंतरदशा चलेगी 2 वर्ष 8 महीने 9 दिन, इस दौरान थोड़ा सा आपको ठीक ठाक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए, थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक रखिए, आचार विचार ठीक ठाक रखिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक आपके साथ में होगा। तो ये वाली जो स्टोरी आपके लिए बनती है, ठीक है, बुध की महादशा में वाणी की शुद्धता होगी, अच्छा आपको वक्ता बनाएगी, कॉमेडियन बनाएगी, और ये दशा आपको अपने क्षेत्र में स्थापित करेगी हमेशा हमेशा के लिए, आने वाले टाइम के लिए।
और मरकरी की दशा खत्म होते होते आप एक बढ़िया दशा में आप चले जा चुके होंगे। और अपनी कुंडली में जब कभी भी मरकरी की दशा आपकी अंतर दशा या मध्य दशा में कभी भी आएगी तो आपको जॉब के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। और केतु, इसके बाद नेक्स्ट केतु की आती है, केतु के आने से पहले आपका स्थान परिवर्तन हो चुका होगा, ये बिल्कुल बात सत्य है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।